अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम रिवाइज स्केड्यूल ऑफ सेकेंड ईयर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची एग्ज़ाम को यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की तरफ से इशू कर दिया गया है। तो वो स्टूडेंट जिनके एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो चुके थे, स्पेशली हमारे सेकेंड ईयर प्री मेडिकल के स्टूडेंट, उनकी जो है वो रिवाइज स्केड्यूल जो है वो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की तरफ से जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। तो रिवाइज स्केड्यूल जो है वो यहाँ डिस्कस करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सकें। तो याद रहे कि प्रीवियस डेट जो सबसे पहला एग्ज़ाम जो स्टूडेंट का पोस्टपोन हुआ था, वो सेकेंड ईयर बॉटनी का एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हुआ था, जिसकी प्रीवियस डेट जो थी वो 31 जुलाई थी, जिसको अब रिवाइज डेट जो है वो 10 अगस्त कर दी गई है, जो कि ट्यूसडे का दिन है। एग्ज़ाम की जो टाइमिंग है वो सुबह 9:30 AM से लेकर 11 AM, डेढ़ घंटे का ये पेपर है। और जो सब्जेक्ट है सबसे पहला आपका सेकेंड ईयर बॉटनी का है। इसी तरीके से प्रीवियस डेट जो है वो सेकेंड ईयर जूलॉजी की जो थी वो 2 अगस्त थी, अब उस डेट को कर दिया गया है 11 अगस्त कर दिया गया है, जो कि वेनसडे का दिन है। और सुबह 9:30 से लेकर 11 AM पर जो है ये टेस्ट की जो है वो टाइमिंग है, डेढ़ घंटे का ये बाकायदा पेपर है सेकेंड ईयर जूलॉजी का। और याद रहे फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम का स्केड्यूल जो है भी 1-2 दिन में अनाउंस कर दिया जाएगा। तो जैसे ही फर्स्ट ईयर का स्केड्यूल आ जाएगा, हम फौरन आपको जो है वो अपडेट करेंगे। तो वो स्टूडेंट जो अभी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम को बिल्कुल साइड पर कर चुके थे, वो जल्द से जल्द अपनी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम की तैयारी भी जो है वो मुकम्मल कर लें। इंशाल्लाह 2 दिन ही हैं, यानी एक परसों ट्यूसडे और वेनसडे में 2 दिन में इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप टेंशन फ्री हो जाएंगे और आप अपने एप्टीट्यूड के एग्ज़ाम पर फोकस कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।